भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पाँव में एक जूते तक नहीं। ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बनाकर लाइए ना। ये बात खान साहब के हृदय को छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि यह तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए, जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भाव मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस भले व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं।
पागलों जैसी हालत हाथों में जूते लिए अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस नन्हे श्याम की जैसी छवि भक्त खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पांव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ